गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि चुनाव क्यों, चुनाव क्या, ठीक है। मतलब चुनावी राजनीति क्लास नाइन्थ की चैप्टर थ्री का विषय हम पढ़ रहे थे चुनावी राजनीति में, उसमें हमने पढ़ा कि चुनाव क्यों, ठीक है। तो चुनाव क्या होता है? तो चुनाव एक ऐसी चीज़ होती है जो लोकतंत्र में लोगों को अपने बात रखने वाले, अपने विचार रखने वाले व्यक्ति का चुनाव करती है, और वही व्यक्ति उस जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए शासक तक उनकी बातों को पहुंचाता है और साथ ही उन जनता पर शासन करता है और शासित जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। इसी कड़ी में हम आगे आज बात करेंगे कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है। तो चुनाव की ज़रूरत इसलिए है कि चुनाव के द्वारा जनता के मन के विचार को हम एकत्रित कर सकते हैं, उनके अंदर की अपेक्षाओं को हम एकत्रित कर सकते हैं, ठीक है। कि चुनाव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। कानून बनाने वाले का चुनाव। दूसरा है कि वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। कहने मतलब चुनाव के द्वारा ही हम जो फैसले लेते हैं, जो लोग फैसले लेते हैं उनका चुनाव करते हैं, क्योंकि जब तक हम चुनाव नहीं करेंगे तो हमारे फैसले एकत्रित नहीं होंगे और उस फैसलों में एक तरह का अनिवार्यता नहीं होगी, मतलब अस्थिरता नहीं होगी। अगर वो फैसले हर व्यक्ति लेने लगे तो फैसला निपुण नहीं होगा, वो फैसला कभी फैसला नहीं होगा, उस निर्णय पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब प्रतिनिधि के माध्यम से हम उस फैसला का निर्णय वाले का चुनाव करते हैं तो वो व्यक्ति जो है हमारे लिए निर्णय लेता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ ही साथ वे सरकार के द्वारा बनाने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चुनाव करते हैं। अब मान लिया जाए कि लोकतंत्र में शासक जो है वो प्रिय सरकार होती है, लेकिन जब वह नीति निर्माण करती होती है, जब वह कोई नियम या कानून बना रही होती है या कुछ लोगों की सुविधाओं के लिए कुछ ऐसा कार्य करती है जिसके नीति निर्देशक बनाने का काम भी जो है वो प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। आगे क्या कहता है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कैसे हम उसको लोकतांत्रिक मानेंगे, कैसे चुनाव को हम लोकतांत्रिक मानेंगे, क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि